आ गए भाई, जनसंख्या बढ़ गई है। और ये परी, हेलो करो परी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल हम दोनों जा रहे हैं दुकान पे गेंद लाने के लिए, हल्की वाली गेंद, रबड़ की। आज तो परी भी आ रही है, तो पवन गेंद ला के रखे है। परी, सबके चेहरे पे सिर्फ परी, सबके मुंह पे सिर्फ परी परी का नाम है। हल्की और रबड़ की गेंद इसे लाने जा रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक गेंद तो है हमारे पास घर में, और रबड़ की गेंद से हम लोग जाएंगे पापा के फार्म हाउस पे खेलने के लिए। पीछे वाली दुकान पे नहीं मिला तो अब आगे वाली दुकान पे जाएंगे, यानी यहाँ से 200 मीटर दूर है। तो यानी पैदल पैदल अच्छा वाला वॉक हो रहा सुबह सुबह। क्या लगता है यहाँ पे बॉल मिलेगी? उम्मीद तो कम ही है। हल्की वाली रबर वाली गेंद, वो मारुति की आती है ना, लाइट कलर की वाली, ये वाली गेंद ढूंढ रहे थे हम लोग क्योंकि ये ना हल्की भी होती है और इसको खेलने में मजा आता है। ये जंप भी अच्छा करती है, देखो। अरे छूट गया। अब आजमाइश करते हैं गेंद की और बल्ले की, मतलब गेंद लगने से कहीं बल्ला टूट ना जाए, क्योंकि बल्ला भी ज्यादा महंगा नहीं है, गेंद भी ज्यादा महंगा नहीं, सब एवरेज वाला। धीरे धीरे खेलना पड़ेगा वरना तो टूट फूट जाएगी। इसको ले जाके हम लोग आराम से ना वो फील्ड पे खेल सकते हैं, पापा के फार्म हाउस पे या फिर यहाँ हमारे पास का जो फील्ड है यहाँ पे। सो गाइस, अब टाइम हो गया स्टेशन जाने का, बच्चों को स्टेशन से लेके आने का, बच्चों को नहीं मतलब पूरी फैमिली को। वैसे सोच रहा था कि फैमिली आ रही तो कार लेके जाऊं, मगर मेरा बड़ा वाला भाई थोड़ा सा बोल दिया भैया कि बुलेट ही लेके आना। ये देखो आज फिर से किसी ने खराब कर दिया इसको। ट्रेन अभी तक तो आई नहीं है, पंकज ने कहा कि आगे खड़ा होना, आके आ गई ट्रेन, आ गई आ गई। देखो कोटा पटना आ गई है, तो इसके साथ साथ चलेंगे हम लोग भी। कौन से डब्बे में, बस ये कन्फर्म करना। वो देखो भैया आ रहे, और ये रही दीदी, और ये रही परी। आ गए भाई, जनसंख्या बढ़ गई है। और ये परी, हेलो करो परी, हेलो। ये तो लगता पहचान भी दी, वीडियो कॉल में तो मामा मामा कर दे रही थी। अपने पास ही कार थी, कार लेके आते आराम से जाते सारे घुस घुस के, लेकिन अभी गाड़ी दिया है। मेरे गाड़ी कौन कौन बैठने वाला, वो रुक जा, बाकी सब निकल जाओ। तू गाड़ी सबको ले जा बिठा के, मैं सामान ले आता हूँ पूरे। परी जा चुकी है घर पे, मतलब जा रही है, उसके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। और गाइस, परी का जो व्यवहार था ना, जो फोन पे था, वो थोड़ा अच्छा था। पता नहीं रियल में जब देख रही है हमको बहुत दिनों बाद, तो कन्फ्यूज होगी वो। तो फिलहाल चलते घर पे, बाकी का लाड प्यार घर पे जताएंगे उससे। तो गाइस, आ गई हमारी परी, अब जा रहे हम दुकान। परी की मम्मी ने पैसा दिया है कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। मम्मी ने क्या रो क्यों रहा, रोने लग गई। तो यार कैसे तो गाय को रोटी फेंक के, गाय को रोटी इज्जत दिया जाता, ये तो रोटी कम पापड़ ज्यादा लग रहा था मेरे को। गर्मी के टाइम में तो रोटी ऐसे कड़क हो जाता, गाय माता को रोटी देती। फिलहाल हम लोग जा रहे मार्केट, राशन का सामान लेके आना, थोड़ी सब्जी लेके आनी, फ्रूट्स लेके आना, मतलब कुछ दिनों से खर्चा खर्चा हो रहा बहुत ज्यादा। चाय पत्ती और पापड़ ले लिया, अभी तो बहुत सारा सामान लेना है। सो पवन, तू डिसाइड कर देना क्या क्या लेना। आज यहाँ पे लाइटिंग बंद कर रखी है, देखो तो थोड़ी क्लियरिटी भी कम आ रही है। राशन रख लिया, और सोच रहे थे कि घर चले जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे, मगर अब नहीं होगा पॉसिबल, आराम से आएंगे। पेट्रोल भी खत्म है गाड़ी में, पेट्रोल भरना पड़ेगा। फिलहाल तो अंगूर ले लिया, इसको पीछे रख ले। सब्जी के नाम पे बस इतनी सब्जी ली है, और एक अंगूर वाला फ्रूट लिया, अंगूर वाला फ्रूट नहीं, अंगूर ही लिया। डिक्की तो आज पूरा खाली है, बिना फालतू में इतना बड़ा थैला लेके आगे डिक्की में रखे। पेट्रोल के रेट में भारी गिरावट, 110 रुपए में आएगा भैया एक लीटर, इसको खोल रखना। 9 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया ना, कितना गंदा और था यहाँ पे, इसको साफ करना पड़ेगा। आज खाएंगे मटर पनीर की सब्जी, क्योंकि आज दीदी की एनिवर्सरी है। देख गिरा दिया, कहाँ ध्यान रहता तेरा, मैं तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तेरा ध्यान कहाँ रहता, गंदा कर दिया। चल रख दे इसको डिग्गी में रख दे। तो अब निकलते भाई घर की तरफ, सारे काम हो गए खत्म, बस ये रोड थोड़ा, ये भी खत्म होने कगार पे ही है, रोड भी खराब ही है पूरा। और कुछ लेना है क्या? मम्मी के जूस लेना है, अब आगे से लूंगा। तो गाइस, फिलहाल तो खाएंगे यहाँ से कुल्फी, और मम्मी के लिए जूस पैक करने के लिए बोल दिया। अब यहाँ से घर जाना है, बहुत रात हो गई है, रात क्या शाम हो गई है, सो ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे घर जाके, मगर अब पॉसिबल नहीं हो सकता। ये ले, बाकी तो कुछ मिला नहीं, 10 रुपए वाली कुल्फी खा ले, एक तू एक मैं खा लेता हूँ। देख कुछ लिखा हुआ भी है इसके ऊपर, शिवम कुल्फी भंडार, ये एड कर रहे अपना। थोड़ी देर बची हुई रात होने में, तो फिलहाल तो आगे हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए, मुश्किल से आधा घंटा क्रिकेट खेलेंगे तो रात जाएगी। आज हमारे साथ एक नया प्लेयर जुड़ चुका है, ये कुछ दिन तो ये भी खेलेगा। पवन, गेंद खो जाएगी, इतना जोर से बल्ला घुमा रहा है तू, मना कर रहा हूँ ना, चल वहाँ अब पिटेगा अभी। पवन धीरे शॉट मारना, पे बोलता हूँ धीरे। 8:24 हो गया भाई, तो फिलहाल तो आ गया खाना खाने के लिए। खाने में है मटर पनीर की सब्जी, रोटी, मैंने तो पूड़ी खाता बनाने के लिए। परी आप भी खाना खा रहे हो,
स्माइल तो इसकी खतरनाक वाली है। वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट हो गई है तो फिलहाल तो रेडी हो रहा है। और यहाँ देखो सुबह की चाय का कप अभी रखा हुआ है। सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि रूम चेंज कर लूँ एडिटिंग वाला, मगर नहीं हो सकता बिकॉज क्या यहाँ पे लाइटिंग वगैरह मैंने अपने हिसाब से लगा रखी है। अब दूसरी जगह जाके नहीं होगा, इसमें से मैं लोगों को भगाना स्टार्ट करता हूँ। 11:31 हो गया तो भाई फिलहाल तो मैच देख लिया है और हमारी वाली टीम राजस्थान हार चुकी है, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, मगर कोई बात नहीं है, अभी भी एक मौका है राजस्थान के पास, देखते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अभी तो फिलहाल रूम में बिस्तर हो रहा है, अभी सब सोएंगे। बाहर लोग सो गए बरामदे में, 5-6 लोग, 5-6 लोग यहाँ सोएंगे। जनसंख्या बढ़ सकती है, क्या करें यार, तो कुछ नहीं कर सकते। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, क्या आगे पीछे बोल रहा हूँ, बाय बाय।